जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा ज्वेलरी शॉप में 7 करोड़ की लूट के मामले पर बेहद तीखा बयान दिया है। लूट के शिकार अलंकार ज्वेलर्स के मालिक पवन कुमार लाट से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि वे चाहते हैं कि अपराधियों को घेर कर मार दें, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देती है। पप्पू यादव ने अपराधियों को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार के सारे अपराधी किसी मैदान में एक साथ जुट जाएं और उनके साथ दो दो हाथ कर लें, इसके लिए वे तैयार हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें प्रशासन की मिली भगत है और अगर लूटे गए कैश और गहने बरामद नहीं होते तो समझ लेना चाहिए कि संपत्ति प्रशासन और नेताओं के जेब में जा चुकी। उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि इतने दिनों से अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है तो इसके लिए दोषी पदाधिकारियों को सस्पेंड या बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। बता दें, पप्पू यादव ने कहा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर अपहरित राजेश की बरामदगी नहीं हुई और दरभंगा में लूटी गई संपत्ति बरामद नहीं की गई तो वे पहले पटना, दरभंगा और उसके बाद पूरे बिहार को बंद करेंगे और सरकार की नाकामी को जनता के बीच लाएंगे।